हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, यहाँ मेरी क्लाइंट हैं और मैंने अपनी क्लाइंट का हाइलाइटिंग विद ग्लोबल कलर किया है। ये बिफोर लुक है और ये आफ्टर लुक, आप अंतर साफ देख रहे हैं। तो आज इसका मैं ट्यूटोरियल आपसे शेयर कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इनके हेयर काफ़ी लंबे थे जैसा कि आप वीडियोज़ में देख ही रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने इनका 10 स्ट्रिप्स लिया था। ये स्टिक्स वाइज मैं यहाँ पर इनका हाईलाइट्स कर रही हूँ और इसके लिए मैंने इस हेयर को दो भागों में बांट दिया है, पार्टिंग कर दिया है। और डायगनल मैंने पीछे से नेप एरिया से मैं डायगनल सेक्शन ले रही हूँ और उसके बाद एक और सेक्शन लिया। और देन उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि तीन वेव्स मैं निकाल रही हूँ। मैं वेविंग टेक्निक मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और वेविंग टेक्निक यूज़ करने के बाद मैं उसको सिक्योर कर ले रही हूँ। जो भी वेव्स मैंने बनाए हैं, तीन कम से कम मैंने बनाए हैं, तो मैंने उसको सिक्योर कर लिया है। इसी तरह से करते हुए मैंने सारे बालों में लगभग 10 मैंने इनका स्ट्रिक्स किया था और उसको सिक्योर कर लिया था। सिक्योर इसलिए किया था क्योंकि इनके बाल काफ़ी लंबे थे, घने थे, इसलिए मुझे सिक्योर करना पड़ा। ठीक है, मैं नहीं चाहती थी कि कलर मैं अप्लाई कर लूँ और बाद में मैं सिक्योर करते रहूँ, तो उससे क्या होता कि पहले का कलर वो डेवलप हो जाता और फिर बाद का वो रह जाता। इसलिए मैंने वेव्स निकाल के उसको सिक्योर कर लिया, मतलब मैंने प्रिपरेशन कर लिया। एक तरह से इसको आप हेयर प्रिपरेशन कह सकते हैं, है ना। तो मैंने अपने क्लाइंट के हेयर को इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया, सारे को सिक्योर कर लिया है। फ्रंट सेक्शन में भी मैं यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रिक्स में ले रही हूँ और डायरेक्ट मैं फ्रंट में मैं नहीं लेती, मैं बीच में मांग देकर मैं नहीं करती, हमेशा उसको थोड़ा सा मैं साइड करती हूँ ताकि वो अच्छे से कलर दिखे। यहाँ पर भी मैंने जो सेक्शन लिया है वो डायगनल लिया है। मैंने पूरे हेयर में जो भी सेक्शन लिया है वो मैंने डायगनल ही लिया है और उसके बाद मैंने वेव्स निकाले हैं। जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ चार निकाले हैं, जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ तीन निकाले हैं। तो ज़्यादातर तीन के साथ ही काम किया है और कि बहुत ज़्यादा भी हाईलाइट्स नहीं होता और बहुत कम भी ऐसे में नहीं लगता है। काफ़ी अच्छा ग्रिप बन जाता है हेयर पे और काफ़ी सूट करता है, हर पर्सनालिटी को बिल्कुल अच्छे से चेंज कर देता है और भी नहीं लगता। अब सारे हेयर को सिक्योर करने के बाद अब मैं यहाँ पे प्री लाइटर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो प्री लाइटर मैंने लॉरियल प्रोडक्ट का लिया है, डेवलपर लिया है 30 वॉल्यूम का। ठीक है, 30 वॉल्यूम का लिया है। रेशियो यहाँ पर मैंने 1:1 लिया है और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अब क्लाइंट के जो भी सेक्शन मैंने लिया था उसको मैं बस उसको पिक कर रही हूँ और उसके अंदर एल्युमिनियम फॉइल को रैप करते हुए प्रोडक्ट को मैं कुछ इस तरीके से लगा रही हूँ। अब ध्यान से देखें, प्रोडक्ट मैं टॉप एरिया से लगा रही हूँ, लेकिन टॉप एरिया पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है, अदरवाइज़ वो ब्लेंड करने में प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट ब्रश में लेना है और रूट से लगभग 1 इंच छोड़ते हुए मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ और ब्लेंड साथ ही साथ मैं कर रही हूँ और नीचे की तरफ मैं प्रोडक्ट को लेके जा रही हूँ। प्रोडक्ट का ज़्यादा मात्रा नीचे ही लगेगा, लेंथ में ही लगेगा, रूट के पास नहीं लगेगा। ओके, अब ये मतलब डार्क टोन से धीरे धीरे ये लाइट टोन की तरफ जाने वाला है। ये कुछ इस तरीके से मैंने ये इनका कलर किया था, हाईलाइट्स किया था। ओके, तो कुछ इस तरीके से इनके हेयर चूँकि काफ़ी लंबे थे तो मोड़ के हेयर को थोड़ा सा बेंड किया है और एल्युमिनियम फॉइल में फिर रैप कर लिया कुछ इस तरीके से और सारे हेयर को ऐसे फोल्ड कर लिया। और देन उसके बाद उसके ऊपर से कुछ प्रोडक्ट लगा के उसके ऊपर से कवर कर दिया है ऑलमोस्ट, और अच्छे से मैंने ब्रशिंग कर लिया है, ब्लेंड कर लिया है ताकि प्रोडक्ट अंदर की तरफ भी चला जाए। और उसके बाद एल्युमिनियम फॉइल को मैंने रैप कर लिया, हाफ ट्विस्ट कर लिया, बेंड कर लिया और देन दोनों साइड्स को मैंने मोड़ लिया ताकि हीट अंदर ही ऑब्ज़र्व हो जाए और कलर बहुत अच्छे से खिल के आए। बस इसी तरीके से सारे हेयर को कर लेना है और लगभग 20 मिनट के बाद विजुअल चेकिंग करना है, है ना। रेस्टिंग टाइम इसको 45 मिनट्स ऑलमोस्ट मिलना चाहिए, लेकिन बीच में थोड़ा सा चेकिंग ज़रूर कर लेना चाहिए और एक बार फिर से प्रोडक्ट यूज़ करते हुए
आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट फिर से फ्रेश लेना होगा, वो पहले का प्रोडक्ट नहीं आएगा। ओके, फिर से प्रोडक्ट को बनाना है, मिक्स करना है 30 वॉल्यूम के साथ और उसको लेंथ पे लगाते हुए फिर से दोबारा ब्लेंड कर लेना है ताकि इवन टोन आ सके। ये मैं हमेशा करती हूँ, अच्छे से करती हूँ। आज मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, ये टिप्स आपको कहीं मिलेगा नहीं। आप यकीन रखें, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका हाइलाइटिंग कभी ख़राब नहीं होगा और कभी पैची नहीं होगा। कहते हैं ना कि कई जगह हाईलाइट कराया तो पैची लुक आ गया, इवन टोन नहीं आया, तो ऐसा अगर करेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा और बड़ा इवन टोन आएगा। तो वही टेक्निक मैं यूज़ कर रही हूँ। लगभग 20 मिनट के बाद विजुअल चेकिंग करना है और उसको फिर से प्रोडक्ट के साथ, थोड़ा सा प्रोडक्ट के साथ, फ्रेश प्रोडक्ट के साथ उसको ब्लेंड कर लेना है दोबारा। सिर्फ लेंथ में ब्लेंड करना है, टॉप पे ब्लेंड नहीं करना है। और फिर उसके बाद फिर से 20 मिनट और रेस्टिंग टाइम दे देना है। तो ऑलमोस्ट 40 मिनट या 45 मिनट्स के बाद इसको इस तरीके से प्रोडक्ट को निकाल लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो पूरे हेयर को भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे ग्लोबल कलर दोबारा से करना है तो मैं क्या कर रही हूँ कि एक हैंकी लिया, बॉल में वाटर लिया और अच्छे से उस हैंकी की मदद से, गीले हैंकी की मदद से मैं उस हाइलाइटिंग वाले प्रोडक्ट को मैं निकाल रही हूँ। अच्छे से मैं निकाल ले रही हूँ ताकि प्रोडक्ट इसमें फिर बचे ना, क्योंकि हैंकी गीला है तो सारा प्रोडक्ट हाईलाइट जो प्रीलाइटर यूज़ किया था वो सारा इसमें आ जा रहा है, अच्छे से आ जा रहा है। तो अब इस तरीके से करते हुए ये सारे हेयर पे लगभग 10 स्टेप्स था ही, आपने देखा ही है। और इस तरीके से सारे हाइलाइट्स को प्रीलाइटनर वाले जो प्रोडक्ट थे मैंने निकाल लिया। यहाँ आप देख सकते हैं कलर कितना आया हुआ है, प्रीलाइटन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कलर डिपॉजिट करने के लिए 5.4 कलर नंबर यूज़ कर रही हूँ। ध्यान से सुने, 5.4 कलर नंबर है ये। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी 20 वॉल्यूम डेवलपर लॉरियल का और इसको मैं मिक्स करूँगी 1:1.5। यहाँ पर रेशियो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे सिर्फ कलर डिपॉजिट करना है, इनका ग्रे हेयर का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फैशन कलर डिपॉजिट करना है। इसलिए 1:1.5 का मैं रेशियो ले रही हूँ, यानी एक ट्यूब अगर लेते हैं तो डेढ़, उसी का जस्ट डेढ़ मात्रा लेंगे डेवलपर का, ठीक है। और रूट से छोड़ के, चूँकि इनका हेयर वर्जिन था इसलिए मैंने रूट से छोड़ के ही थोड़ा सा आधा इंच मैंने कलर डिपॉजिट किया है। इनको ग्रे हेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं था तो रूट से क्यों लगाना है ना। तो इस बात, इन सब बातों का आपको ध्यान देना होगा। अगर आप बिगनर हैं, मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आपको ये सारा टिप्स बहुत अच्छा लगेगा और इस चीज़ को आप अपनाएंगे, फॉलो करेंगे तो आपका ग्लोबल कलर और हाइलाइटिंग ये कभी भी ख़राब नहीं होगा और क्लाइंट भी काफ़ी हैप्पी होंगी और उनका हेयर भी कभी भी ड्राई एंड डैमेज नहीं होगा इन तरीकों को फॉलो करते हैं। तो मैंने इसीलिए रूट्स को छोड़ दिया है लगभग आधा इंच और उसके बाद इमल्सीफाई मैं अच्छे से कर रही हूँ और प्रोडक्ट को नीचे की तरफ मैं लेकर जा रही हूँ, लेंथ में भी लेकर जा रही हूँ और अच्छे से प्रोडक्ट जहाँ ज़रूरत पड़ रही है मैं दोबारा फिर प्रोडक्ट को लगा रही हूँ और इमल्सीफाई मैं अच्छे से कर रही हूँ। थोड़े थोड़े सेक्शन में यहाँ पर काम करना है ताकि कलर अच्छे से इवनली डिपॉजिट हो जाए। अगर चौड़े सेक्शन लेंगे तो फिर डिपॉजिट अच्छे से नहीं होगा, पैची लुक आ जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत इसमें करना पड़ेगा, चूँकि इनके हेयर काफ़ी लंबे थे तो मुझे भी काफ़ी मेहनत करना पड़ा था और काफ़ी अच्छा खासा टाइम भी लग गया था। और सारे हेयर को मैं यहाँ पर कलर लगा रही हूँ, कोई भी छोटा भी हेयर बचना नहीं चाहिए। हेयर लाइन पे भी मैंने जस्ट अभी किया, फॉरहेड के का जो हेयर लाइन होता है वहाँ पर भी मैंने किया ताकि कलर में अंतर ना पता चले, है ना। तो बहुत अच्छे से प्यार से करना है। और यहाँ पर अब मैंने रेस्टिंग टाइम देने के लिए छोड़ दिया है, तो यहाँ पर 45 मिनट्स फिर से रेस्टिंग टाइम देना है। कलर डिपॉजिटिंग के लिए 40 या 45 मिनट्स देना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं कलर डिपॉजिटिंग के, तो जब भी मैं कुछ अलग करूँगी तो मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये इनमें से ये भी एक तरीका है। अब आफ्टर 45 मिनट्स मैं यहाँ पर इनका कलर मैं रिंस आउट कर रही हूँ। अच्छे से मैंने बालों को गीला कर लिया है और अपने हाथों से ही बहुत सारा कलर मैंने निकाल लिया। इसके बाद मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। शैम्पू भी मैंने डाइल्यूट कर लिया है वाटर के साथ थोड़ा सा, और फिर उसको स्कैल्प में ज़्यादा मात्रा में मैं स्कैल्प में लगा रही हूँ
और उसको अच्छे से मसाज करते हुए लेंथ की तरफ शैम्पू को नीचे की तरफ मैं लेकर जा रही हूँ, ताकि उतने ही शैम्पू में बस केमिकल निकल जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा शैम्पू की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ शैम्पू मैंने कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू लिया था लॉरियल का। अब मैं उसको मसाज करने के बाद अच्छे से रिंस आउट कर ले रही हूँ। अच्छे से मैंने रिंस आउट कर लिया है। देन उसके बाद मैं मास्क लगाऊंगी। मास्क भी मैं कलर प्रोटेक्टिंग लॉरियल का ही लगाऊंगी। हाथों पे, पाम पे अच्छे से लगा के मसलते हुए फिर लेंथ पे लगाना है। मास्क हमेशा लेंथ पे लगाया जाता है, स्कैल्प में नहीं लगना चाहिए। अगर लग जाता है तो उस प्रोडक्ट को निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हाथों में थोड़ा बहुत जो बचा हो वो ऊपर की तरफ आप लगा सकते हैं। और लगभग 10 से 15 मिनट इमल्सिफाई करने के बाद या रेस्टिंग टाइम देने के बाद मास्क को, उसके बाद उसको रिंस आउट फिर से कर लेना है। तो अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। टॉवल ड्राई बहुत अच्छे से कर लेना है और उसके बाद ही ड्रायर यूज़ करना है। ड्रायर के लिए मैं यहाँ पर एक्चुअली मैं बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पर कोल्ड ड्रायर पहले यूज़ किया है, उसके बाद मैं टेम्परेचर मैंने बढ़ाया था, हाफ कोल्ड और हाफ हॉट मैंने किया था। तो जब भी बाल गीले होना तो डायरेक्ट कोल्ड पर ही करना चाहिए, वॉर्म पे नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर हेयर ड्राई हो जाएंगे और शाइन नहीं आएगा। तो ये टिप्स है। ये एक और छोटा टिप्स मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और देखिएगा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, है ना। कभी कभी जो रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है तो इन्हीं छोटी मोटी गलतियों की वजह से ख़राब होता है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे तो कभी नहीं होगा। हाँ, इस स्टेज पर मैंने सीरम्स लगाया था बट उसको शूट नहीं किया था, तो सीरम ज़रूर लगाना है तभी शाइन आएगा। आप लास्ट में देखिएगा हेयर बहुत शाइनी हो चुका है। इनको मैंने कट भी दिया था, एक हेयर कट भी इनका हुआ था, जो भी एक्स्ट्रा हेयर जो फ्रिजल थे नीचे से ड्राई हेयर थे उनको मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया था। और उसको कंप्लीट अब मैं ब्लास्ट ड्राई कर रही हूँ, फिंगर ब्लास्ट कर रही हूँ और पैडल ब्रश से भी मैं उसको स्ट्रेटन कर रही हूँ थोड़ा। और उसके बाद स्टाइलिंग के लिए बहुत अच्छे से इनका स्टाइल कर दिया था, स्ट्रेटन लुक मैंने कर दिया था। टेम्प्रेरी आयरनिंग मैंने किया था स्टाइलिंग के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लुक आया था। ये आप बिफ़ोर लुक देख रहे हैं, ये कुछ समय पहले उनका ये हेयर था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कितना कंप्लीट चेंज हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। हाइलाइट्स भी अच्छे से खिल के नज़र आ रहे हैं और जो ग्लोबल हेयर कलर मैंने किया था वो भी नज़र आ रहा है। तो 5.4 से मैंने किया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।